करते हैं जो वो मेडल जीतते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा होता है वो उसका किसी को पता ही नहीं होता है। सो इसीलिए मतलब लोग जो बड़े घर के लोग हैं वो स्पोर्ट्स पे नहीं आते मोस्टली, मतलब क्योंकि मतलब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी आज तक मैंने स्पोर्ट्स में देखे हैं वो नॉर्मली घर के देखे मोस्टली मैंने, और उन्होंने ही नेशनल पे इंटरनेशनल पे ओलंपिया पे मेडल उन्होंने उनके ही आए, किसी मेरे को नहीं लगता कि जो कोई करोड़पति ऑलरेडी होगा उसका कोई मेडल आया होगा आज तक। क्रिकेट से सुहाय, क्रिकेट से सुहाय, क्रिकेट पे आ सकता है, क्रिकेट पे आ सकता है, लेकिन मतलब जो अगर आप बोलिए रेसलिंग पे एमएमएम पे किक बॉक्सिंग पे तो उस पर नहीं आ सकता किसी का मतलब। सो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ, आना जैसे तो पहले भी मैं मिलता रहा लेकिन बहुत सारे फेस ऐसे जो अभी नया मिला हो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होता है, क्योंकि मैं एक खुद प्रमोटर हूँ और इवेंट कराते हैं तो, लेकिन बहुत टफ है। तो अगर आप जैसे बंदे सब लोग मिलके करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि ना हम लोग कर सकते, सब लोग हम कर सकते हैं अगर हम सब लोग एकजुट होकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। हम जैसे इंटरनेशनल के जैसे इंटरनेशनल पे आप देखते हैं एमएमएम मतलब कितना मतलब हाई लेवल पे कितनी हाई पे बनाई है, तो अगर हम सब लोग थोड़ा इसको मैनेज करेंगे तो और अच्छा हम कर सकते हैं। तो हमारा जो सभी का जो इस टीम का जो कैप्टन है वो है आना जी, और हमारे को इनको फॉलो करना है सब लोगों ने, और इसको मतलब हमने एमएमएम को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो सब लोग उन्हें सपोर्ट कर दिया, अपने सभी को जितने में देख रहा हूँ मतलब कितनी पर्सनैलिटी है लड़के और लड़कियाँ, मतलब कितने जबरदस्त फाइट जो ट्रेलर दिखाया आपने बहुत ही जबरदस्त। सो मेरे को नहीं लगता कि ये मतलब इंटरनेशनल से कम है, मतलब इंटरनेशनल से ज्यादा स्टैंडर्ड है उसका, और बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंडिया में जब तक हम उसको टीवी पे नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होएगा, तब तक लगता है यार ठीक है यार मतलब, है ना। तो जब टीवी पे आना शो कोई भी शो टीवी पे आएगा ना तो आपको बिल्कुल आपकी लाइफ आपका एक लाइफस्टाइल एक सारा कुछ चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं मानी, बहुत टफ है स्पोर्ट्स करना, तो मेरा एक ही कहना है आप लोगों को दोस्तों कभी गिव अप नहीं करना, आप फाइटर है और फाइटर कभी गिव अप नहीं करना, बस बहुत एक दमदार फाइट करनी है और कभी हार नहीं माननी, और तभी हम अपने मिशन पे सक्सेस होएंगे। हमारा मिशन ये है कि हम अपने लिए करिए, हमारा मिशन ये है कि तुम्हारे ऐसे आगे तुम्हारी न्यू जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है ताकि मतलब उनके लिए मतलब जैसे कोई भी हम अगर रोड बनाते हैं कई साले लगती है, कोई भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो कई साले लगती है, उम्र बीत जाती है, लेकिन मतलब जो ये जो आप लोग हम लोग सब लोग कर रहे हैं आगे जो हमारी नई जनरेशन है ना उनके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा बड़ा मिलेगा, और मतलब बहुत हिंदुस्तान के बच्चे बहुत तरक्की करेंगे क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हर पास हर जगह हर चीज पे आगे आ रहा है। जो तो बॉलीवुड पे तो है हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर वन, इसका कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूवी आए हिंदुस्तान में बनती है, बॉलीवुड भी पीछे बहुत जो हॉलीवुड है बहुत पीछे है। सो हमारा जो हॉलीवुड तो है बॉलीवुड तो है ही आके है, तो हम यह चाहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स में भी नंबर वन बनिए, और सब लोगों ने सपोर्ट करनी है, और अन्ना जी जैसे पूरी हमारी टीम बताएंगे हमें आपके साथ हूँ, और सब लोगों ने करना है, और इंटरनेशनल को हमने फाइट देनी है, जैसे इंटरनेशनल पे बड़े बड़े मैच होते हैं जिसपे लाखों लोग आते हैं, तो एक दिन वो भी दूर नहीं होगा जो हिंदुस्तान पे जो बड़े बड़े स्टेडियम है सारे सॉल आउट होंगे, बुक होंगे, जो ब्लैक टिकट बिकेंगे, तो मेरा ये ड्रीम है। थैंक यू सो मच।